जबलपुर में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के चुनावी मुहिम का शंखनाद कर दिया। प्रियंका गांधी बीजेपी पर जमकर बरसी और 5 गारंटी भी दी। रिपोर्ट देखें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान ना हुआ हो, लेकिन जबलपुर से कांग्रेस ने सियासी लड़ाई का शंखनाद कर दिया है। जबलपुर में प्रियंका गांधी ने नर्मदा आरती की और जनसभा को संबोधित किया। सभा में प्रियंका बीजेपी पर जमकर बरसी, साथ ही कांग्रेस की सरकार बनने पर 5 गारंटी दी। उधर प्रियंका गांधी के जबलपुर दौरे पर बीजेपी ने निशाना साधा। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर महिलाओं के अपमान करने का आरोप लगाया, साथ ही प्रियंका के नर्मदा आरती पर तंज कसते हुए चुनावी हिंदू करार दिया। और ऐसे लोगों के साथ मंच शेयर कर रही हैं जो महिलाओं को कहीं आइटम बोलते हैं, कहीं टंचमान बोलते हैं। आपको नर्मदा मैया या गंगा मैया की आज चुनाव पे क्यों आती है? 5 साल पहले आई, फिर आ गई चुनाव पे। आप ये चुनावी हिंदू हैं, आप ये सब समझते हैं? गंगा जी में डुबकी लगाई थी तो 2 सीट आई थी पूरे उत्तर प्रदेश में 400 में से, और यही हाल मध्य प्रदेश में होने वाला है। कांग्रेस ने प्रियंका के बहाने महाकौशल को साधने की जुगत लगाई है। यहाँ कुल 38 सीटें हैं। 2018 में कांग्रेस ने 24 सीटों पर कब्जा किया था। कांग्रेस की कोशिश इस इलाके में प्रदर्शन को दोहराने की।